हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्रामर गुरु में। आज हम नरेशन के यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट के प्रैक्टिस सेट को करेंगे, जिसमें हमने किरण पब्लिकेशन की बुक को लिया है, जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए हैं और ये प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं, इनको हम पढ़ते हैं। तो ये है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर एक से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट शुरू हैं। इससे पहले कि हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट नरेशन शुरू करें, हम थोड़ी सी कॉमन सी जो जानकारी है वो कर लेते हैं। पहली बात आप जानते हैं, ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई एम नॉट फीलिंग वेल। ही सेड टू मी, इस वाले पोर्शन को जिसमें बात को कहने वाला और बात को सुनने वाला ये दोनों होते हैं, इस भाग को, इस पार्ट को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा है, और ये आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, क्योंकि ये ही के द्वारा कही गई बात है। तो ये बात को कहने वाला, ये बात को सुनने वाला, ये इसके द्वारा कही गई बात है। तो जब हम डायरेक्ट से, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, रिपोर्टेड स्पीच पहले भी हो सकती है और ये बाद में भी हो सकता है, कुछ किसी भी तरह का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, हो सकता है। ये बात आप लोग जानते हैं। हमको करना क्या है कि हमको सामान्य सी जानकारी जो हमारे मन में घूमनी चाहिए कि एक जो चेंज है वो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होगा, दूसरा जो है वो कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा में चेंज होगा, और तीसरा रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा। इसमें दो प्रकार के चेंज होते हैं, एक टेंस चेंज होता है, एक पर्सनल प्रोनाउन चेंज होता है। अब ये कॉमन सी बात है कि रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंज होगा, यानी सैड और सैड टू में जो चेंज होगा, वो हमेशा भाव के अनुसार होता है। यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का जैसा भी भाव होगा उसके अनुसार चेंज होगा। मान लीजिए सेंटेंस असर्टिव है तो सैड या टोल्ड में बदलते हैं, इंट्रोगेटिव है तो आस में बदलते हैं, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, बेस्ड, जैसा सेंटेंस है उसके अनुसार इनमें बदल देते हैं। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के साथ क्या लगेगा, हटाकर क्या लगेगा, तो इसको आप जानते हैं कि दैट, इफ, वेदर, क्वेश्चन वर्ड या टू या नॉट टू, जो लगता है वो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है उसको देखकर लगाते हैं। यदि असर्टिव सेंटेंस है दैट, इंट्रोगेटिव है तो इफ, वेदर या क्वेश्चन वर्ड, या इंपरेटिव है तो टू या नॉट टू, तो इस प्रकार सेंटेंस को देखकर लगाते हैं। एक सामान्य सी जानकारी कर लेते हैं। अब बसता है इसमें प्रोनाउन चेंज और टेंस चेंज। तो भाई रिपोर्टेड स्पीच में ही तो चेंज होते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर पर्सनल प्रोनाउन चेंज होंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, या जानते हैं। और टेंस चेंज में एक मोटी मोटी बात समझ लीजिए कि टेंस चेंज केवल तभी होता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में हो, और पास्ट टेंस में हो, अगर पास्ट टेंस में होने के बावजूद यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल फैक्ट है, प्रोवर्ब है या हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो टेंस चेंज नहीं होता। तो टेंस चेंज के लिए एक ही बात है, रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट टेंस में होना, तभी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। अब हम अपने प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर एक को देखते हैं और पास कर लेते हैं थोड़ा सा। सेंटेंस है, I said to my sister, I brought you a doll yesterday. Simple assertive sentence है, said to का told, I told my sister that. ये तो जानते हैं आप लोग। I के अनुसार, इन सब्जेक्ट अनुसार, brought, brought का मतलब होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है तो had के साथ थर्ड फॉर्म, I had brought her, you का हर हो जाएगा, आर डॉल द प्रीवियस डे, इतना हमको चेंज करना है। तो आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई ब्राउट, जो का तुम रहने दिया नहीं बनेगा। आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड ब्राउट हर ए डॉल द प्रीवियस डे, यही सही लग रहा है, तो दूसरा मान लेते हैं, दूसरा सही है, लेकिन हम अगले भी देख लेते हैं। आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड ब्राउट है, ब्राउट हर आर डॉल यस्टरडे, तो यहाँ पर यस्टरडे को चेंज नहीं किया गया है। तो आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई ब्राउट, बाकी नहीं है, तो आपका सेकंड
जो ऑप्शन है वही ठीक है। एक बात और चीज़ देख लेते हैं कि जब भी हम सेंटेंस को चेंज कर रहे हैं तो उसमें मेन चीज़ है कि हमको चेंज क्या करना है। आई सेड दैट, तो यहाँ तो कोई चेंज करना नहीं है, इन्होंने बेसिक दैट लगा के दे रखा है, इसको ही चेंज करना बता रहा है, यानी कि जो इन्होंने प्रिंटिंग मिस्टेक किया होगा जो भी है। तो आई सेड दैट इसको जोड़ते हैं, वी हैव लिव्ड, तो हैव का हेड हो जाएगा और बी को दे के अनुसार दे हो जाएगा, तो क्या होगा, दे हैड लिव्ड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बनेगा, दे हैड लिव्ड देयर फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो मिल जाए देखो, दे हैव नहीं होगा, लिव्ड नहीं होगा, दे हैड लिव्ड देयर, ये हो जाएगा, बाकी है ही नहीं, तो थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए थर्ड क्वेश्चन में, वुड यू ओपन द डोर प्लीज सी सेड टू मी, तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, आस्क रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट और आस्क किया है, तो नेचुरल अगर आस्क लगा सकते हैं तो रिक्वेस्ट क्यों नहीं लगा सकते। सेंटेंस में जो है वुड यू ओपन द डोर प्लीज, कृपया आप दरवाज़ा खोलेंगे, तो यहाँ पर रिक्वेस्टेड है, तो जो भाव है वो रिक्वेस्ट का है, तो नेचुरल सेकेंड सही होगा या थर्ड सही होगा, यही दोनों तो सही होंगे, तो इन दोनों में देख लेते हैं। शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, ये सही है, शी रिक्वेस्ट मी टू प्लीज, प्लीज तो हटी जाता है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन ठीक रहेगा। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द टीचर सेड गांधी जी वॉज बॉर्न इन इंडिया, ये सेंटेंस आपका हिस्टोरिकल फैक्ट है, तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते, जो कहते हो रहेगा, द टीचर सेड दैट गांधी जी वॉज बॉर्न इन इंडिया, यही होना चाहिए, जो इसमें होगा देख लेते हैं, द टीचर सेड दैट गांधी जी हैड नहीं लगेगा, द टीचर सेज नहीं लगेगा, द टीचर सेड दैट गांधी जी वॉज बॉर्न इन इंडिया, यही लगेगा, बाकी सही नहीं है, तो आपका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट वाई डू यू डिस्टर्ब द क्लास, सेड टू को आस्क में बदलेंगे, क्योंकि आपका सेंटेंस जो है वो आपका इंटरोगेटिव, तो क्या बनेगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई लगेगा, वाई ही डू डिस्टर्ब है, तो ही डिस्टर्ब्ड द क्लास, तो वाई ही डिस्टर्ब द क्लास जिसमें होगा वो लगाएंगे, द टीचर सेड लगेगा नहीं, द टीचर टोल्ड लगेगा नहीं, द टीचर आस्क्ड लगेगा, तो द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही डिस्टर्ब द क्लास, यही सही है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वाई ही हैड नहीं लगेगा, तो केवल आपका थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अब हम सिक्स क्वेश्चन पे आते हैं, रीता सेड टू मी विल यू लैंड मी दिस क्लासिक, तो रीता आस्क्ड मी इन्होंने बना के दिया है, अब इसके आगे ही तो जोड़ना है, तो देखिए ये सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे में हम इफ़ या वेदर लगाते हैं, तो इन्होंने सभी में इफ लगाया, इसमें इफ नहीं लगाया है तो ये नहीं होगा, तीन में इफ लगाया है, अब तीन में देखते हैं, इफ यू मी को देखिए आई वुड, तो इफ आई वुड जिसमें होगा वो बनेगा, इफ हो आई वुड, इफ आई वुड सी वुड आई विल, तो केवल यही तो एक ऑप्शन बचता है, तो छः का पहला ही ऑप्शन तो ठीक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अब साथ में देखिए, द लेडी सेड टू द सर्वेंट इफ यू डोंट वॉश द क्लॉथ प्रॉपरली आई विल डिसमिस यू, तो ये सेंटेंस आपका असर्टिव ही है, इफ से शुरू हुआ है, लेकिन हमने कहा भाव के अनुसार हम इसको बदल देते हैं, तो इन्होंने देखिए क्या किया है, इन्होंने वार्न किया है, टोल्ड किया है और कॉशन्ड किया है या एडवाइस किया है, तो नेचुरल इसका भाव देखते हैं, इफ़ यू डोंट वॉश द क्लॉथ, यदि तुम कपड़े नहीं धोगी आई विल डिसमिस यू, तो मैं तुमको डिसमिस कर दूंगी, सीधे साधे चेतावनी है, तो द लेडी वार्न्ड द सर्वेंट दैट सी वुड, इफ है
शी वुड डिसमिस हर इफ शी डिड नॉट भाई डोंट द डिड नॉट वॉच द क्लास प्रॉपरली, यही ठीक हो जाएगा। दूसरे में देख लेते हैं, द लेडी टोल्ड द सर्वेंट, तो टोल्ड से भी ठीक हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट शी वुड डिसमिस हर ऑन द इवेंट ऑफ बैड वर्क, तो ये दूसरा जो इन्होंने दिया है ये इसे मिसमैच हो रहा है। टोल्ड लगाना कोई गलत नहीं है, हम कहें टोल्ड लगा दिया तो गलत हो जाएगा, बी सेट टू का सिंपल सेंटेंस में एसेट में टोल्ड ही होता है, लेकिन उससे फर्क नहीं पड़ता। भाई टोल्ड लगा देता दैट लगा दिया कोई बात नहीं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है सेंटेंस का वो उसने चेंज कर दिया है, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज नहीं होना चाहिए। द लेडी कॉशन्ड हर द सर्वेंट दैट सी मस्ट, भाई जब सीधे हो रहा है यू इफ यू है तो मस्ट कहाँ से आ गया। द लेडी एडवाइज द सर्वेंट टू बास, ये नहीं आएगा। तो कुल मिला के ये तीनों जो ऑप्शन बचते हैं ये नहीं फिट होते हैं, केवल यही फिट होगा। अब हम आठवां क्वेश्चन देखते हैं, आठवें कह रहा है देयर आर शेयर मनी इज गोइंग ऑन ही सेड टू मी, तो ही टोल्ड मी हो जाएगा। सब में टोल्ड है तो कोई बात नहीं, भाई सब में टोल्ड है तो डेट लगा के जोड़ते हैं, जो भी डेट लगा के फिट हो जाएगा। तो क्या होगा, देयर आर है तो देयर बर हो जाएगा, देयर बर तो है तो देयर बर जिसमें मिलेगा वो ठीक होगा। दैट देयर बर ये सही है, दैट देयर हैव देयर हैड देयर आर नहीं लगेगा, तो केवल देयर बर पहला ठीक हो जाएगा आठ का। ठीक, अब हम नाइन्थ क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ कह रहा है ही सेड टू मनोज मे यू प्रॉस्पर, तो मे यू प्रॉस्पर आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम विश्ड करते हैं, विश्ड करते हैं, प्रे करते हैं। तो इन्होंने क्या किया है, सारे ऑप्शन में एक पहले में बिस्ट लगाया, दूसरे में बिस्ट लगाया, तीसरे में भी इन्होंने बिस्ट लगाया और चौथे में भी बिस्ट लगाया, तो बिस्ट तक ठीक है। तो देखते हैं कौन सा ठीक होता है इनका, ही बिस्ट दैट मनोज शुड प्रॉस्पर, शुड प्रॉस्पर नहीं होगा माइट प्रॉस्पर होगा, नेका माइट हो जाएगा। तो ही दूसरा देखते हैं, ही बिस्ट दैट मनोज मे प्रॉस्पर, तो नहीं होगा क्योंकि माइट होना चाहिए दूसरा। तीसरा देखते हैं, तीसरे में क्या देखा है, ही विश्ड दैट मनोज माइट प्रॉस्पर, तो तीसरा ठीक हो सकता है। चौथा देख लेते हैं, ही विश्ड मनोज टू प्रॉस्पर, तो केवल आपका थर्ड ऑप्शन ही ठीक होगा। अब दसवें देखते हैं, मिस्टर डैडी ऑलवेज सेज ठीक गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज ए गुड हैबिट, सुबह जल्दी उठना एक अच्छी आदत है, तो नेचुरल है लग रहा होगा आपका, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये प्रोवर्ब है। तो ऐसे को हम ज्यों का त्यों जोड़ देंगे, भाई नेचुरल ज्यों का त्यों जोड़ देंगे, तो क्या होगा, माई डैडी ऑलवेज सेज दैट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज ए गुड हैबिट, ज्यों का त्यों जोड़ देंगे। अब जिसमें मिल जाता है, माई डैडी ऑलवेज सेज दैट टू गेट अप नहीं होगा, माई डैडी ऑलवेज सेज दैट गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज ए गुड हैबिट, यही माना जाएगा। और देख लेते हैं एक आध, माई डैडी ऑलवेज एडवाइस नहीं होगा, दैट गेटिंग अप नहीं, यही नहीं होगा, द डैडी ऑलवेज वार्न्स ये भी नहीं होगा। तो आपका केवल जो सेकेंड ऑप्शन है वही ठीक है। अगला देखते हैं, इलेवेंथ में क्या करा है, बी क्वाइट ठीक आई सेड टू देम, तो बी क्वाइट का मतलब हम किसी से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, किसी से ऑर्डर भी कर सकते हैं, किसी को जैसा भाव लगे। लेकिन यहाँ देखिए इन्होंने क्या किया है, आई टोल्ड देम टू बी क्वाइट, ये हो सकता है क्योंकि टोल्ड भी कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पोर्शन है टू बी क्वाइट, ये ठीक है। टू रिमेन क्वाइट भाई आस्क देम भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टू रिमेन क्वाइट नहीं होगा। टोल्ड भी, टोल्ड के बाद टू नहीं लगता तो ये गलत हो गया। आई ऑर्डर देम टू रिमेन भाई ऑर्डर हो जाता तो भी चल जाता, लेकिन टू के बाद रिमेन क्यों, बी क्वाइट आना चाहिए। तो केवल आपका इन चारों ऑप्शन देखने के बाद जो उपयुक्त है, जो सूटेबल है, वो केवल पहला वाला ही है। ठीक है, अब हम 12th देखते हैं, ही सेड
द टीचर यूजली डज नॉट आस्क एनी क्वेश्चन। तो ऐसे में सेट के बाद दैट से जोड़िए। अभी इन्होंने क्या किया, यूजली दैट तो जोड़ी दिया है, तो क्या होगा, द टीचर यूजली डज नॉट आस्क है तो डिड नॉट आस्क हो जाएगा। तो जिसमें डिड नॉट आस्क लग रहा है आपका, उस वाले पोर्शन को आप ठीक मानेंगे, क्योंकि डज नॉट आस्क है, बाकी कोई चीज़ चेंज करनी नहीं है। तो डज नॉट आस्क को ही चेंज करना है, तो डिड नॉट आस्क हो जाएगा, और कोई तो उपयुक्त बन नहीं रहा है। द टीचर यूजली डज नॉट आस्क, जो कहते जोड़ दिया गलत है, द टीचर यूजली डिड नॉट आस्क एनी क्वेश्चन, यही ठीक माना जाएगा। अगले देख लेते हैं, शायद और भी हो कुछ। द टीचर यूजली आस्क, नो क्वेश्चन नहीं है। द टीचर यूजली डिड नॉट आस्क, तो डिड नॉट लगेगा नहीं, हो जाएगा। तो क्योंकि डिड नॉट आस्क लगाए हैं, तो यहाँ पर आस्क लगाने के कारण गलत है, क्योंकि डिड नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म होती है। तो आपका जो सही क्वेश्चन है, ऑप्शन है, वो सेकंड माना जाएगा। थर्ड देखते हैं, वो थर्टीन देखते हैं। आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो नेचर है सेड टू का आस्क हो जाएगा। आस्क टोल्ड आस्क, तो तीन में आस्क है, तो तीन हमारे सही हो सकते हैं, तो थर्ड तो हमारा हाई नहीं। अगले था, अब देखते हैं, हाउ डू है, तो हाउ यू न्यू हो जाएगा, हाउ यू न्यू, जिसमें बने आई आस्क में हाउ आई न्यू, तो यू का हिम के अनुसार होगा, तो ही न्यू होगा। द आई आस्क हिम हाउ आई न्यू नहीं बनेगा, आई आस्क हिम दैट नहीं बनेगा, आई जी भाई नहीं, आई आस्क हिम हाउ ही न्यू दैट, तो यही आपका 13 का फोर्थ ऑप्शन ठीक माना जाएगा। ठीक, हम 14 से देखते हैं। 14 में क्या कर रहा है, ही सेड वी आर ऑल सिनर्स, तो वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी पापी हैं, ये आपका कहावत है, या कह सकते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ है। तो जो कहते हो जोड़ देंगे, तो ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स, तो ही सेड दैट वी आर ऑल सिनर्स, यही ठीक होना चाहिए। और देख लेते हैं, ही सेड दे नहीं होगा, ही सेड ही वॉज नहीं होगा, ही सेड ऑल बट, तो पहला ही आपका ऑप्शन ठीक माना जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15th है, आई लॉस्ट माई बुक यस्टरडे, सी सेड टू हर टीचर, तो नेचुरल है सी टोल्ड हर टीचर, वे टोल्ड हर टीचर होगा, तो यहाँ पर टोल्ड तो कहीं दिया नहीं है, तो हम उपयुक्त ऑप्शन देखते हैं। तो सी एडमिटेड टू हर टीचर दैट सी हैड लॉस्ट, तो आई लॉस्ट है, तो हैड लॉस्ट ठीक माना जाएगा। यहां तक देख लेते हैं, सी एडमिटेड टू हर टीचर दैट सी हैड लॉस्ट हर बुक द प्रीवियस डे, ये ऑप्शन ठीक मान सकते हैं, पहला वाला। अब हम दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, टू हर टीचर सी सेड नहीं होगा, क्योंकि टू हर टीचर नहीं होगा, सी सेड टू हर टीचर ही होगा। सी एडमिटेड लॉसिंग हर बुक, ये नहीं होगा, क्योंकि उपयुक्त नहीं बैठ रहा है। सी सेड टू हर टीचर दैट आई हैव, अरे आई हैव क्यों होगा, लॉस्ट है, तो हैड लॉस्ट ही होगा। तो इनके तीनों ऑप्शन आपके फिट नहीं बैठ रहे, केवल यही ऑप्शन फिट बैठ रहा है, तो ऑप्शन ए माना जाएगा। 16th देखते हैं, आई हैव सीन द फिल्म बिफोर सुनीता सेज, तो सुनीता सेज दैट, तो सुनीता सैड नहीं होगा, सेज। अब हम अगले देख लेते हैं, भाई नेचुरल की सेज है, तो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो इसमें प्रोनाउन तो चेंज होगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा, तो क्या होगा, सुनीता सेज दैट सी हैव, तो सी के साथ हैज आ जाएगा, तो सी हैज सीन दैट फिल्म बिफोर। अब देखते हैं, सुनीता सैड नहीं होगा, सुनीता सेज दैट सी हैज सीन दैट फिल्म बिफोर, ये दूसरा हो सकता है, सुनीता सैड नहीं होगा, सुनीता सैड नहीं होगा, तो केवल सेज वाला यही है, बाकी उन्होंने सैड सैड कर दिया, तो हम पहली समझ जानने चाहिए कि हमारा सेकंड ऑप्शन ही ठीक है।
अब है 17th, ही ऑर्डर्ड ही सर्वेंट टू डू एज ही वॉच टोल्ड. कोई बात नहीं, अब ही ऑर्डर्ड है तो नेचुरल है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है भाई, टू से जुड़ा है तो इंपरेटिव सेंटेंस है. जब ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो हम क्या करेंगे भाई, ही सेड टू हिज सर्वेंट. तो ही सेड टू, जिसमें तीन में सेड टू है, एक दो तीन में, तो ही सेड टू हिज सर्वेंट हो गया, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, डू एज, तो डू से लगेगा, डू एज आई, तो ही का ही इसके अनुसार चेंज हुआ है तो आई तो रहा होगा, आई ना एज हिज सर्वेंट के बाद एज यू आएगा, यू और बॉज चेंज करो तो बॉज का क्या होगा, इज एम आर में से होगा, तो यू के साथ यू आर टोल्ड, तो यू आर टोल्ड जिसमें होगा डू एज, डू एज यू आर टोल्ड, ये हो सकता है डू एज आई टोल्ड, डू एज यू वर टोल्ड, ये नहीं होगा, केवल सेकंड ऑप्शन माना जाएगा. तो 17th का सेकंड ऑप्शन. 18th देख लेते हैं, ही सेड टू द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. तो कुड यू प्लीज इसमें रिक्वेस्टेड किया होगा, तो देखिए इन्होंने रिक्वेस्टेड 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 सारे ऑप्शन में रिक्वेस्टेड किया है, तो यहां तो हमें सोचने की आवश्यकता है नहीं क्योंकि सारे एक जैसे हैं. अब हमको क्या जोड़ना है, केवल इसी से तो जोड़ना है, तो कुड यू प्लीज हटा सकते हो, तो टू रिपीट द क्वेश्चन कह सकते हो क्योंकि रिक्वेस्टेड है, तो कुड यू प्लीज भी कह सकते हो, प्लीज भी कह सकते हो या काइंडली भी कह सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अब इन्होंने क्या किया वो देखते हैं. कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो भाई इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है इंटरव्यूअर इफ ही कुड प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. एक बात, तो हम इफ से क्यों जोड़ेंगे, इफ से भी इस सेंटेंस को जोड़ा जा सकता है, लेकिन हम और बेटर ऑप्शन देख लेते हैं. द ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड प्लीज रिपीट, तो ये नहीं होगा, कुड यू प्लीज ये सेंटेंस होगा, इस तरह नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस आपका जो है वो इंपरेटिव सेंटेंस का प्रकार है, भले ही इंट्रोगेटिव में माना गया है, तो यहां रिक्वेस्टेड के बाद टू से ही जुड़ेगा. ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू प्लीज, तो टू प्लीज नहीं लगेगा. ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, ये वाला थर्ड, चौथा देख लेते हैं. ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर इफ ही कुड नहीं लगेगा, तो केवल थर्ड ऑप्शन आपका सही माना जाएगा. 19वां देख लेते हैं. डेविड सेड टू एना मोना विल लीव फॉर हर नेटिव प्लेस टुमारो, एसर्टिव सेंटेंस है तो टोल्ड कर लीजिए. इन्होंने टोल्ड हर एक में किया तो सोचिए मत. डेविड टोल्ड एना दैट मोना वुड लीव, तो मोना वुड लीव और द नेक्स्ट डे, ये दो तीन चीजें आनी चाहिए, वुड लीव और द नेक्स्ट डे, तीन चीजें देखनी है, वुड लीव देखना है और द नेक्स्ट देखना है. डेविड टोल्ड एना दैट मोना वुड नहीं है, मोना लेफ्ट वुड नहीं है, मोना वुड इसमें है और इसमें, इसमें वुड है, दोनों में देख लेते हैं. तो डेविड टोल्ड टू, टोल्ड के बाद टू नहीं आता, तो आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, तो 19 का फोर्थ ऑप्शन माना जाएगा. अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20, उसके बाद बंद करते हैं. आई सेड टू हिम वाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, तो ये आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो नेचुरल आस लगेगा, तो इन्होंने एक दो, इन्होंने सभी में आस लगाया, सोचिए मत. तो आई आस्क्ड हिम व्हाई, ये क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड ही लगाइए. व्हाई यू हिम के अनुसार तो क्या होगा, ही वॉच, तो व्हाई ही वॉच वर्किंग, तो व्हाई ही वॉच वर्किंग आएगा, तो व्हाई ही वॉच वर्किंग सो हार्ड, यही सही है. और देखिए देखते हैं, व्हाई वॉच नहीं, व्हाई ही हैड, व्हाई, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक हो जाएगा. ये थे हमारे नरेशन के 20 क्वेश्चंस. अगले वीडियो में हम और क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू.